दोस्तों, शायद आप यह जानते होंगे कि बबून शेर के बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन क्या आप इस किडनैपिंग के पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की एग्जैक्ट वजह उन दोनों जानवरों के बीच की दुश्मनी है। इन दोनों की दुश्मनी का खामियाजा शेर के बच्चे को भुगतना पड़ता है। शेर और बबून के बीच की दुश्मनी कैसी है, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लिप में हम आपको शेर और बबून के बीच की कुछ ऐसी लड़ाइयां दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बंदर की सभी प्रजातियां ऊंचे स्थान की चढ़ाई के मामले में सबसे तेज होती है और जंगल का कोई भी जानवर इनकी बराबरी फुर्ती से ऊंचाई पर चढ़ने में नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब समय बुरा हो तो आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है। इस बेचारे बबून के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस पर एक शेरनी के झुंड ने हमला कर दिया और बबून के पास अच्छा मौका था कि वह चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचा ले। लेकिन चढ़ाई चढ़ने की स्पीड शेरनी के सामने धीमी पड़ गई और शेरनी ने बबून को अपना निवाला बना लिया। जब चट्टान पर चढ़कर शेर बबून का शिकार कर सकता है, तो जमीन पर दौड़ते हुए बबून और शेर का तो कोई मुकाबला ही नहीं। जब एक शेरनी की नजर जंगल में टहलते हुए एक बबून पर पड़ी तो शेरनी ने इसे अपना भोजन बनाने के लिए इसका पीछा करने लगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले शेर के सामने 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले बबून की क्या औकात। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद बबून की गर्दन शेर के जबड़े में थी। शेर की पकड़ में आने के अगले ही पल बबून ने दम तोड़ दिया और शेरनी की दावत शुरू हो गई। पहाड़ पर चढ़े, वहां भी शेर का शिकार हो गए। जमीन पर दौड़े, वहां भी शेर का शिकार हो गए। और अब पेड़ पर चढ़ गए। जब शेर के एक झुंड ने बबून का पीछा किया तो वह जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन इस पेड़ की हाइट इतनी कम थी कि शेर आसानी से इस पर चढ़ गया। लेकिन बबून ने भी हार नहीं मानी और हाथ पैर मारने लगा, लेकिन शेर आगे बढ़ता रहा और बबून जान बचाने के लिए पेड़ से नीचे कूद गया। लेकिन नीचे खड़े दूसरे शेर ने उसकी गर्दन दबोच ली। दोस्तों, शेर और बबून की लड़ाई तो हम देखेंगे, उससे पहले यह दिल दहला देने वाला वीडियो देख लेते हैं। बबून शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। वह फल फूल के साथ साथ मांस भी खाते हैं। आमतौर पर वह छोटे मोटे जानवरों का शिकार ही करते हैं। इस वीडियो में दिख रहे बबून ने इम्पाला के बच्चे का शिकार कर लिया। बच्चे किसी के भी हो, मां से दूर होने पर उनका शिकार होना आसान हो जाता है। बच्चे का शिकार होने के बाद जब मदर इम्पाला बबून के पास आई, तब उसने बबून के चंगुल से अपने बच्चे को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन निर्दयी बबून मां इम्पाला के सामने ही बच्चे को अपना निवाला बनाता रहा। बबून भले ही शेर का आसान शिकार है, लेकिन दूसरे जानवरों के लिए नहीं। बबून चीते और तेंदुए का जमकर मुकाबला करने के लिए जाने जाते हैं। इवन बबून इनकी जान भी ले सकते हैं। लेकिन जब बबून शेर के सामने यह कॉन्फिडेंस दिखाता है तो उसका अंजाम क्या होता है, वह आप इस क्लिप में देखिए। यह बबून अकेली शेरनी को देखकर दो दो हाथ करने लगता है और शेरनी हार मानकर पीछे हट जाती है। लेकिन शेर का झुंड वहीं अकेली शेरनी की मदद के लिए आ पहुंचता है और अगले ही पल बबून शेर के मुंह में था। अब आपने देख लिया कि शेर हमेशा बबून पर भारी पड़ते हैं। बेचारे बबून किसी भी तरह से शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन इस जानवर ने शेर का मुकाबला करने के लिए बड़ा ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है। बबून मौका मिलते ही शेर के बच्चे की किडनैपिंग कर लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, ताकि बड़ा होकर यह उनके लिए खतरा न बन सके। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।